व्हाट्स अप एवरीबॉडी, शशांक त्रिवेदी इज हियर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आपको लेके जाऊंगा घनकेश्वर ट्रैक। घनकेश्वर जी भी आप बोल सकते हो। ये मैं हूँ अभी पालड़ी एम, एक छोटा सा गांव है नियर सिरोही, और मैं हूँ अभी कालकेश्वर के मंदिर पे। वो है उधर मंदिर, मैंने दर्शन ऑलरेडी कर लिए है। मेरे साथ में और भी कुछ लोग हैं और अभी चलते हैं ट्रैकिंग पे और एक्सप्लोर करते हैं वो प्लेस कैसी है। हिडन प्लेस है, सो लेट्स एक्सप्लोर। करके आते हो यहाँ पर आपको एक बरगद का ट्री मिल जाएगा और बहुत सारे बंदर है तो उनसे पंगा लेना मत। मैं भी आया था, वो सब आपस में फाइट कर रहे थे। और दो रास्ते जाएंगे, एक रास्ता ये है लेफ्ट में और एक रास्ता ये जाएगा राइट में, तो आपको राइट वाला लेना है। लेट्स गो। तो भाई सीन ऐसा है, अभी ये पूरा होने वाला है ऑफ रोडिंग ट्रैक और काफ़ी ज़्यादा पीसफुल एरिया है। चारों तरफ फॉरेस्ट है और काफ़ी ज़्यादा रॉक है। रेनी सीजन में आओगे तो यहाँ पर आपको वाटर फ्लो भी दिखेगा। यही ये पूरा नदी का ही रास्ता है, बट मैं आया हूँ अभी नवंबर एंडिंग विंटर सीजन, सो पानी नहीं चल रहा है। एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी सारे मंकीज़ हैं यहाँ पर। सो आप अगर सीधा निकलोगे तो वो आप पर अटैक नहीं करेंगे, अगर आपने उनको छेड़ा तो दे विल डेफिनेटली नॉट बेयर यू। और काफ़ी सही सीन है और ये राजस्थान का एक अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड यू टू कम हेयर। पूरा ट्रैकिंग टाइप है। तो आप जैसे ही थोड़ा सा ट्रैक करके आते हो तो ये आपको एक छोटा सा गणपति जी का मंदिर देखने को मिलता है। आप यहाँ पर आके बैठ सकते हो, रेस्ट ले सकते हो और मेक श्योर अगर आप ये डोर ओपन करो तो इसको वापस लॉक कर देना, बिकॉज मंकी अंदर ना जा पाए एंड अंदर जो भी वो प्रसाद या कुछ रहता है तो उसको ख़राब ना करे। सो मेक श्योर इफ़ यू ओपन देन क्लोज द डोर। सो जैसे ही आप थोड़ा सा आगे आते हो आपको ये स्टेयर्स देखने को मिल जाते हैं जो कुछ इस तरह से है, और वो आपका जो काम है थोड़ा इजी कर लेता है। अगर आपके साथ में किड्स है तो वो भी थोड़ा आराम से चल पाते हैं और आप उनको भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं टू एक्सप्लोर दिस प्लेस, इट्स वेरी नाइस। Thank you.
ये जो आप देख रहे हो यहाँ से थोड़ा 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 पानी आता है और ये इस खड्डे में स्टोर हो जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा प्योर है और मिनरल फुल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ के माउंटेन से और जो भी मिट्टी और पत्थर, जैसा आपने साइंस में पढ़ा होगा, हम अलग अलग लेयर्स लगा के और वो पानी प्योर हो जाता है, वैसे ही ये पूरा माउंटेन से रिस करके थोड़ा थोड़ा आता है तो प्योर है। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे बबूल के, नीम के, पीपल के भी पेड़ है जो आयुर्वेदिक में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और उनकी रूट्स से ये होते हुए आता है, तो उनका भी जो मिनरल है वो भी इस वाटर में इंक्लूड रहता है। तो ये हेल्थ वाइज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको हेल्थ में ये ऐसा अगर आप पानी पियो और आपको सूटेबल लगता है तो ही आप पियो। मैंने तो थोड़ा सा पानी टेस्ट किया और मेरे को कुछ ऐसा इफ़ेक्ट नहीं लगा और पानी भी मीठा पानी है, तो आई डोंट थिंक कुछ ऐसा इशू करने लायक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आप पी सकते हो पानी। एंड अगर आपको, और ये है मेरे पीछे मेरे कल्पेश मामा, यही मेरे को यहाँ पर लेके आया गंकेश्वर का ट्रैक। इन्होंने पूरा प्लान किया है कि चल मैं तेरे को यहाँ पर एक अनएक्सप्लोर्ड प्लेस घुमाता हूँ। सो इस प्लेस का क्रेडिट कल्पेश मामा को। सो अभी और ट्रैकिंग बाकी है एंड मेक श्योर यहाँ पर आप आओ तो ग्रुप के साथ में आना, बिकॉज अभी मैंने सुना कि यहाँ पर लेपर्ड्स वगैरह भी आते हैं। सो डे टाइम में ही आना, रात को भी, ये पूरा अरावली माउंटेन्स है तो यहाँ पर लेपर्ड्स और भालू वगैरह है। सो ग्रुप के साथ में आना, आप 4-5 लोग होंगे तो इट्स ओके टू कम, अकेले मत आना। एंड गाइस मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैंने यहाँ पर भी एक चीज़ नोटिस की और ये मेरे को सबसे गंदी लगती है, इतनी अच्छी लोकेशन पर भी इतना सारा लोग कचरा फेंकते हैं। आई डोंट नो क्यों यहाँ के आप लोकल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ऐसी इतनी अच्छी जगह पे आए हो और यहाँ पर भी आप तुम कचरा फैलाओ तो ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। तुम नेचर को, आई नो ये पूरा फॉरेस्ट है लेकिन गंदा क्यों करना, घर की ज़मीन थोड़ी है। सो मेक श्योर जब भी आओ कचरा मत करो, एक साथ में पॉलीथीन लेके आओ, ये सारा कचरा उसमें डालो और वापस घर पर लेके जाओ या फिर लेके ही मत आओ। दिस इज़ द रिक्वेस्ट। एंड ऑर्डर भी समझ सकते हो बिकॉज आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ये मेरी प्लेस भी है, सो इसको ख़राब मत करो। एंड वी हैव फाइनली रीच्ड, दिस इज़ द टॉप मंदिर गंकेश्वर जी। ये मेरे पीछे ये है मेन मंदिर और यहाँ पर ये पीछे पूरा कुंड वगैरह है। बारिश के टाइम पे ये भी आता है। जस्ट अ सेकेंड, ये जो पानी है ना ये थोड़ा 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 करके भरता रहता है और फिर यहाँ से वो जब लेवल अप हो जाएगा तो वो यहाँ से ये पूरा जाएगा या, और ये रेनी टाइम है, झरना वगैरह यहाँ पर चलता रहता है और ये यहाँ से झरना जाता है और वो नीचे गहरी यहाँ पर वो क्यूट सा पप्पी है वो चिल्ला रहा है। कल कल
मंदिर के बैक से ही ये सीढ़ियाँ लेकर मैं आया हूँ और यहाँ से दिस टाइप ऑफ व्यू यू विल गेट फ्रॉम हेयर, पूरा सिटी, दो माउंटेन्स एंड इसके बीच में वो शायद गांव है कोई, आई डोंट नो द नेम, और यहाँ पर ये थोड़ा सा पानी स्टोरेज पॉन्ड टाइप बना हुआ है। सो आई होप कैसा लगा ये मंदिर। अभी मैंने यहाँ पर पूछा था, ये बोल रहे थे कि लाइक ये मंदिर पांडवों के टाइम का है, जब वो यू नो 12 साल का वो वनवास, 13 साल का जो वनवास जो उनको मिला था, वो यहाँ अरावली माउंटेन्स से होते हुए हिमालय गए थे, तो ये भी उनके स्पॉट पे आता है, वो यहाँ पर रुके थे। ये मंदिर बाद में बहुत सालों बाद डिस्कवर किया गणेश या गनिया नाम इन्होंने बोला, उन्होंने वो ग्वालिया थे, भेड़ बकरी चराते, तो वो चराते चराते यहाँ माउंटेन्स में आते और उन्होंने ये मंदिर को डिस्कवर किया, इसलिए इस मंदिर का नाम, इस प्लेस का नाम गणकेश्वर पड़ा, गणकेश्वर जी। और ये पूरा नेचुरली क्राफ्टेड है, जैसा आपने देखा वो पूरा जो ऊपर जो लाइंस थी वो सब पानी से बनी हुई है, यू नो आपने देखा है पानी से, वो बहुत साल से वो पानी ऐसे चलता रहता है, तो वो धीरे धीरे लाइंस बन जाती है, वो सॉल्ट की वजह से वो पूरा एक लाइन स्टोन जैसा बन जाता है। तो ये पूरा ऐसा क्राफ्टेड है, अभी पेंट कर दिया इसलिए वो ड्रॉप्स बंद हो गए, वरना बहुत पहले ड्रॉप्स भी थी। यहाँ पर आप आते हो तो यहाँ पर आपको धर्मशाला मिल जाती है खाने के लिए, आप जैसे यहाँ ऑर्डर दे दो 20 रुपये में पूरी प्लेट मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपको वहाँ ऊपर आके और खाना बनाना है या फिर ऊपर आओ वापस नीचे जाओ और फिर खाना, इसकी ज़रूरत नहीं है। धर्मशाला है, 20 रुपीज़ में आपको प्लेट मिल जाती है, कितने लोग हैं वो आप बता दो। और काफ़ी सारे यहाँ पर आपको बंदर देखने को मिल जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो ये मेरा इंस्टा हैंडल है शशांक त्रिवेदी 196, वहाँ पर आप मेरे को फॉलो करो एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर फर्दर मोर वीडियोस। टिल देन नाउ एंजॉय सम सिनेमैटिक सीन्स एंड टेक केयर, बाय, पीस।